साइड देकर ओवरटेक करने दें। इस बात का ध्यान रखें कि सामने से कोई वाहन तेजी से नहीं आ रहा है। जैसे कार या मोटरसाइकिल, ट्रक के चालक को अपने वाहन के साइड मिरर में तभी दिखते हैं जब वो मिरर के दृष्टि के क्षेत्र में आते हैं। अगर वो ब्लाइंड स्पॉट के क्षेत्र में हैं, तब वो वाहन आसानी से मिरर में नहीं दिखते हैं। चालक के लिए बाईं, दाईं और वाहन के पीछे का हिस्सा ब्लाइंड स्पॉट माना जाता है। किसी भी प्रकार का नशा करके या अधिक मात्रा में दवाई का सेवन करके वाहन ना चलाएं। वाहन चलाने से पहले या चलाते समय किसी भी तरह का गुस्सा या नकारात्मक विचार ना करें। किसी भी व्यक्ति को ट्रक के आसपास धूम्रपान करने या खाना पकाने ना दें। अगर थकान हो या नींद आ रही हो तो वाहन रास्ते के किनारे सुरक्षित स्थान पर पार्क करें और आराम कर लें। कभी भी वाहन या ट्रक के नीचे ना सोएं। अगर ट्रक में किसी भी तरह की खराबी होती है तो इसकी जानकारी तुरंत अपने उच्च अधिकारी को दें ताकि उचित मदद कार्य और उपाय योजना की जा सके। अगर टायर पंक्चर होता है तो तुरंत ट्रक को सड़क के किनारे रोक दें, फिर टायर बदलने का कार्य करें। एक्सप्रेस वे पर वाहन हमेशा बाईं तरफ रखें। एक्सप्रेस वे पर अंदर आने वाले वाहनों का ध्यान रखें। अंदर मोड़ते समय वाहन की गति धीमी रखें। अगर ओवरटेक करना हो तो ही वाहन को दाईं ओर से चलाकर ओवरटेक करें। ये करते समय अधिक सावधानी बरतें। वाहन चलाते समय गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, खाने की वस्तु इत्यादि का सेवन ना करें। आगे के वाहन और आपके वाहन में कम से कम 4 सेकंड का फासला रखें। अर्थात अगर आपको वाहन रोकना पड़े तो कम से कम इतना फासला हो कि ब्रेक मारने पर वाहन को 4 सेकंड का समय उपलब्ध हो वाहन पूरी तरह रुकने के लिए। वाहन की चाबियां हमेशा अपने पास रखें। ढलान पर चढ़ते समय या ढलान से नीचे उतरते समय वाहन की गति कम रखें, क्योंकि कंपार्टमेंट में भरे ईंधन में अधिक हलचल होती है जिससे वाहन का केंद्र बिंदु सेंटर ऑफ ग्रेविटी हट जाती है। और एक तरफ मुड़ती है, खास करके मोड़ पर, और ऐसी परिस्थिति में दुर्घटना हो सकती है। रात के समय हेडलाइट का खासकर अपर डिपर का उचित इस्तेमाल करें। तेज बारिश हो रही हो तो वाहन धीरे चलाएं और पार्किंग इंडिकेटर्स चालू करें। विंडशील्ड को पोंछ लें ताकि सामने देखने में आसानी हो। अगर वातावरण वाहन चलाने लायक ना हो तो वाहन रास्ते के किनारे सुरक्षित स्थान पर खड़ा करें। अगर रास्ते पर आपातकालीन परिस्थिति या कोई भी अप्रिय घटना का सामना करना पड़े तो तुरंत उसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दें या पुलिस को बता दें। सुरक्षित रूप से आप तय पूर्व निर्धारित स्थान पर यानी रिटेल पंप पर पहुंच जाएंगे। रिटेल लोकेशन पर अर्थात पंप पर पहुंचने पर क्लीनर की मदद से निर्देश पाकर उचित सावधानी बरतते हुए ट्रक को पूर्व निर्धारित स्थान पर खड़ा करें। वाहन बंद करें, हैंड ब्रेक लगाएं, बैटरी स्विच बंद करें और ट्रैफिक कोन का इस्तेमाल करके उस क्षेत्र को ट्रैफिक कोन की सहायता से बैरिकेड करें। आगे के पहियों में और पीछे के पहियों में व्हील चोक लगा लें। 10 किलो का DCP अग्निशमन यंत्र बाहर निकालकर रख दें।
पंप पर अनलोडिंग का कार्य करते समय विशेष सावधानियों का पालन करना जरूरी है। वाहन को कम से कम अनलोडिंग का कार्य शुरू करने से पहले आधे घंटे का समय दें, ताकि स्टैटिक चार्ज ग्राउंड हो। पंप प्रबंधक के पास जाकर आपके पहुंचने की जानकारी दें और चालान की कॉपी दें। पंप प्रबंधक लॉक नंबर इनवॉइस चालान से मिलाएगा और दस्तावेज में दी जानकारी की पुष्टि करेगा। ताले की चाबियां लगाकर वो मैनिफोल्ड वाल्व्स का लॉक और टंकी के ऊपर लगा लॉक खोलेगा, फिर मास्टर वाल्व एक एक करके खोलेगा। लॉक खोलने के बाद मैनिफोल्ड वाल्व खोलकर हर एक कंपार्टमेंट से टेस्टिंग के लिए सैंपल निकाला जाएगा। पंप प्रबंधक निकाले सैंपल्स के घनत्व और ग्रेड की जांच करेगा, फिर उस सैंपल को डिब्बे में डालकर सील बंद कर देगा। ऊपर चढ़कर कंपार्टमेंट के लॉक खोलकर हर एक कंपार्टमेंट के लगे ढक्कन खोलने के बाद डिपस्टिक पर वाटर टेस्टिंग पेस्ट लगाकर जांच करेगा और डिपस्टिक से ही हर एक कंपार्टमेंट में भरे ईंधन के स्तर को नापेगा। इस जानकारी को वो दर्ज करेगा। पंप प्रबंधक के द्वारा पूरी तसल्ली होने के बाद वो अनलोडिंग प्रक्रिया के निर्देश देगा। निर्देश पाने पर आप अर्थिंग क्लिप वाहन पर लगाएं। दूसरी क्लिप आप जमीन में लगी टंकी के इनलेट वाल्व पर लगाएं। मैनिफोल्ड का कवर खोलें और फिर ट्रक में से होज निकाल लें। होज के एक सिरे को जमीन में लगी टंकी के इनलेट वाल्व से कनेक्ट कर लें और होज के दूसरे सिरे को मैनिफोल्ड के वाल्व से जोड़ लें। वाल्व को खोलें और ईंधन को ट्रक की टंकी से नीचे जमीन में लगी टंकी में बहने दें। एक एक करके सभी कंपार्टमेंट में से ईंधन खाली कर लें। पंप प्रबंधक द्वारा टंकी के कंपार्टमेंट पूरी तरह खाली हो गए हैं और उसमें कोई उत्पाद बचा नहीं है, इस बात की तसल्ली की जाएगी। पंप प्रबंधक से निर्देश पाने पर आप होस को निकाल लें। किसी भी तरह के छलकाव को रोकने के लिए होस को सावधानी पूर्वक डिस्कनेक्ट करें। जमीन में लगे इनलेट वाल्व को बंद करें और ढक्कन लगा लें। मैनिफोल्ड और मास्टर वाल्व बंद करें और कंपार्टमेंट में लगे अंदर और बाहर के ढक्कन बंद कर दें। लॉक लगा लें, फिर होज निकालकर निर्धारित जगह पर संभाल कर रख दें। अर्थिंग के क्लिप्स निकाल लें। पंप प्रबंधक मैनिफोल्ड वाल्व बॉक्स पर और टंकी पर फिर से ताले लगा देगा। ट्रैफिक कोन निकाल लें। अग्निशमन यंत्र रख लें। आगे लगे पहियों से और पीछे लगे पहियों से चोक ब्लॉक्स को निकालें। दस्तावेज पर प्रबंधक के हस्ताक्षर पाने के बाद वो दस्तावेज आपको देगा। कार्य संपन्न होने की पुष्टि होने के बाद आप प्रबंधक को धन्यवाद करें और वापसी के मार्ग पर निकलें। आओ आज हम सब चालक भाई मिलकर ये कसम खाएं कि हम कभी हमारी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगे, और ये कसम खाते हैं कि हम रास्ते पर सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपके जैसा मेरा परिवार भी मेरे घर लौटने की राह देख रहा है।